हे की हाल चाल लोडो सब बढ़िया और मस्त आगे बढ़िया और मस्त ना। तो काफी दिन से काफी बंदे कमेंट कर बोल रहे थे कि भाई नेक्स्ट सीजन कब आएगा, कौन सा इवेंट में आएगा, कैसा होगा नया वाला, बिड रिव्यू कब दिखाओगे। तो भाई निकल का आ चुका बिड रिव्यू एंड कब देखने को मिलेगा एकदम कंफर्म डेट भी आपको सुबह बताऊंगा। और कुछ कॉस्ट्यूम्स के बिड रिव्यू प्लस कुछ स्काईविंग के एनिमेशन इमोट्स के एंड नेक्स्ट लक रॉयल के रिलेटेड अपडेट है और कंफर्म डेट है कब देखने को मिलेगा एंड कौन कौन से आइटम्स उधर रहेंगे सब कुछ। और ये वो एम4रन के रिलेटेड कंफर्म डेट निकल का आ चुका है वो भी अपने साथ शेयर करूंगा एंड सिलेक्टेड बंडल जिसका रेट में कल अपडेट शेयर कर रहा था उसके रिलेटेड अपडेट है। तो जितने अपडेट है एक से बढ़कर एक है, अगर किसी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हो तो बस इतना बोलूंगा बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को पूरा लास्ट देखो। मैं वीडियो स्टार्ट करने में लेट बिल्कुल नहीं करूंगा, पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो एंड ज्यादा नहीं यार एक लाइक कर देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है प्लस वीडियो में लाइक का बहुत असर पड़ता है। तो प्लीज यार एक लाइक कर देना और ज्यादा नहीं यार अपने एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारे गेम का देखने को मिल चुका गोल्ड रॉयल में न्यू कॉस्ट्यूम, जैसा कि मैं अपडेट दिया था फीमेल कॉस्ट्यूम होगा एंड वही देखने को मिला है। तो जिसको भी निकालना है बिंदास निकाल लेना, क्योंकि काफी बंदे को पसंद नहीं होता है फीमेल कॉस्ट्यूम तो नहीं भी लेते हैं, इसलिए जिसको पसंद है बिंदास ले लेना। एंड इसी के साथ डायमंड रॉयल में न्यू कॉस्ट्यूम देखने को मिल चुका है, उधर फीमेल कॉस्ट्यूम भी देखने को मिला है। तो उसके अपडेट में काफी पहले शेयर कर दिया था वही देखने को मिला है। तो बिंदास अगर चाहिए तो ले लो, बाकी आपकी मर्जी। एंड वेपन रॉयल में थोड़ा टाइम है, उसके रेट में अपडेट आपको 2-4 दिन अंदर शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट डायमंड रॉयल कॉस्ट्यूम कौन सा होगा उसके अपडेट में 2-4 दिन अंदर शेयर कर दूंगा, अभी कुछ अपडेट निकल के नहीं है, 2-4 दिन निकल के आ जाएंगे शेयर कर दूंगा। एंड ऐसे तो हमारे गेम के अंदर कल अपडेट के बाद बहुत कुछ नए चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, बहुत कुछ नए नए ऐड किया गया फीचर वगैरह, तो जिसके बारे में एक एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बहुत बंदे भूल गए होंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी नया एक बार देख के गेम के अंदर। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का बिंदास कमेंट में बता देना कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है तो। एंड हम बढ़ते सीधे अपकमिंग अपडेट्स की तरफ। हमें हमारे गेम का देखने को मिलेगा 24 सितंबर को, चाहो तो लक रॉयल बोल सकते हो चाहो तो टोकन रॉयल बोल सकते हो। एंड इस इवेंट में हमें देखने को मिलेगा सेलेक्टेड बंडल जिसके रेट में आपको अपडेट कल ही शेयर कर दिया था, फोटो वगैरह दिखाए थे एंड मैं कंफर्म बता दिया था कि नेक्स्ट सेलेक्टेड बंडल यही होगा। एंड इस बंडल का रिव्यू मैं आज से करीब 8-9 महीने पहले कर चुका हूं, तो वो बंडल अभी देखने को मिल रहा है हमारे गेम के अंदर। एंड बंडल का रिव्यू आप स्क्रीन में देख सकते हो, कल फर्स्ट लुक दिखाया था, अभी भी देख सकते हो। ये हमें देखने को मिल जाएगा 24 सितंबर को एंड ये हमारा नेक्स्ट सेलेक्टेड बंडल होगा एंड ये देखने को मिलेगा लक रॉयल में। इस बंडल के साथ इसके रिलेटेड और भी आइटम्स को डिजाइन किया गया है। सबसे पहले एक डेथ बॉक्स स्किन देख सकते हो जो नॉर्मल है एंड इसके रिलेटेड एक गुलबॉल स्किन जो बहुत ज्यादा सही लग रहा, थोड़ा सा इफेक्ट भी दिया गया है और डिजाइन भी इसका बहुत ज्यादा सही है। एंड एक लैम्बोरगिनी का स्किन जिसमें इफेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं, तो कंफर्म नहीं बोल सकता कि भाई क्या सीन रहने वाला, पर हाँ ये लैम्बोरगिनी स्किन में डिजाइन बहुत ज्यादा सही है, पर थोड़ा इफेक्ट वगैरह रहने से और ज्यादा सही लगता है, शायद से चलाते टाइम इसमें इफेक्ट शो करे कंफर्म नहीं है। तो हाँ एक लैम्बोरगिनी का स्किन एंड लास्ट वन आइटम नाइफ का स्किन जो बहुत ज्यादा सही लग रहा देखने में। तो हाँ ये हमारे इस बंडल के रिलेटेड आइटम्स हो गए एंड ये बंडल हमारा नेक्स्ट सिलेक्टेड बंडल रहने वाला जो हमें देखने को मिल जाएगा जैसा कि मैं बताया 24 सितंबर को जो कंफर्म डेट है। तो जिसको भी चाहिए बिंदास निकाल लेना। एंड आप लोगों को याद ही होगा मैं करीब करीब पिछले अपडेट के स्टार्टिंग के टाइम मैं शेयर किया था क्लब अमेरिका के रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बना के सारे आइटम्स का रिव्यू एंड मैं बताया क्लब अमेरिका इवेंट हमें इसी अपडेट में देखने को मिलेगा OB35 में, पर नहीं देखने को मिला। एंड अभी क्लब अमेरिका के रिलेटेड और भी आइटम्स के रिव्यू निकल आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में एक जर्सी कॉस्ट्यूम का रिव्यू जो येलो कलर का है एंड इसके साथ एक ब्लू कलर का भी रहने वाला है जो हमारे क्लब अमेरिका के थीम पे रहने वाला है। एंड एक और देख सकते हो जर्सी जिधर येलो रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाया गया, इसका डिजाइन बहुत ज्यादा सही लग रहा है। एंड हाँ ये तीन कॉस्ट्यूम्स निकल आए हमारे क्लब अमेरिका जो जब इवेंट आएगा तब देखने को मिल जाएंगे। एंड कॉस्ट्यूम्स के अलावा कलम और क्या थीम पे एक एनिमेशन इमोट भी निकल गया है जो आप स्क्रीन में देख सकते हो जो बहुत ज्यादा जहर है, चिड़िया में लटक के बंदा आ रहा है एंड उसके बाद लैंड करता है, बहुत ज्यादा सही लग रहा है देखने में। एंड इसी का स्काइविंग स्क्रीन में देखने को मिलने वाला है, मतलब चिड़िया पे लटक के जैसे बंदा लॉबी पे लैंड कर रहा है ना उस तरीके से चिड़िया में लटक के बंदा लैंड करेगा गेम के अंदर, बहुत ज्यादा सही लगेगा देखने में। जैसे गेम रिव्यू निकल गया था मैं शेयर कर दूंगा, पर एनिमेशन इमोट देख सकते हो एंड स्काइविंग स्क्रीन में देख सकते हो। जैसे कलम अपडेट निकल आता है कि इवेंट कब देखने को मिलने वाला है मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूंगा, पर अभी जानना चाहते हो कल का इवेंट कब देखने को मिलने वाला, तो मैं आज से करीब 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिधर मैं अपकमिंग इवेंट्स रिलेटेड एंड सारे इवेंट्स रिलेटेड अपडेट शेयर किया था कि अला इवेंट इस टाइम देखने को मिलेगा, इसके बाद अला इवेंट्स आएगा, तो उसमें मैं क्लब अमेरिका के रिलेटेड भी अपडेट शेयर किया हूं। तो अगर आप उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लेना, आपको कन्फर्म पता चल जाएगा क्लब अमेरिका का इवेंट कब तक देखने को मिल जाएगा, तो जाना तो चेकआउट कर लेना। एंड क्लब अमेरिका के बाकी आइटम्स के वीडियो भी देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक ऊपर आपने दे दूंगा, इस वीडियो का चेकआउट कर लेना। और अभी दोस्तों आप स्क्रीन में हमारे इवो एम4रन का ट्रेलर बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा जहर बनाया गया, आप स्क्रीन में देख सकते हो क्या ही लग रहा देखने है भाई। तो हाँ ये हमारा इवो M4A1 का ट्रेलर रहने वाला है एंड इवो M4 का मैं रिव्यू पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह सब कुछ मालूम ही है तो स्क्रीन में देख सकते हो, बताने का जरूरत नहीं है। एंड इवो M4 को लेकर बात कर ले कि कब तक देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको अपडेट शेयर कर चुका हूँ, फिर भी हमें देखने को मिल जाएगा इवो M4 ये महीना खत्म होने से पहले या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब अपकमिंग 2 या 3 वीक्स के अंदर हमें हमारे गेम के अंदर इवो M4 देखने को मिल जाएगा। मजा आया
और इवो एम्फ्रॉन रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा आइटम्स अभी तक निकल के नहीं आया, तो इवो एम्फ्रॉन हमें सिर्फ इवो एम्फ्रॉन ही देखने को मिलेगा। एंड इवो एम्फ्रॉन के टाइम शायद से कोई आइटम्स नहीं रहेंगे क्योंकि निकल के नहीं आए, बाकी निकल के आते हैं कल परसों तक, तो मैं शेयर कर दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। एंड अपकमिंग 3 वीक्स के अंदर हमें हमारे गेम के अंदर इवो एम्फ्रॉन देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को निकालना है तो डायमंड इकट्ठा करना शुरू कर दो। एंड इतना कन्फर्म है जो मैं बताया ना, अपकमिंग 3 वीक 100% देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने आसू वाले वीडियो चेकआउट नहीं किया तो भाई एक बार चेकआउट कर लेना। मैं आसू वाले वीडियो में अपकमिंग इनक्यूलेवेटर के गन स्किन्स का वीडियो रिव्यू शेयर किया था, जो हमारे थॉमसन के स्किन रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो रिव्यू नहीं देखा है तो देख लेना यार, स्किन्स प्लस एट्रीब्यूट दोनों साथ में दिखा दिया हूं, तो पता चल जाएगा कैसे स्किन्स रहने वाले हमारे थॉमसन के। एंड यही हमारा नेक्स्ट अपकमिंग गन इनक्यूलेवेटर के स्किन रहने वाले हैं। अभी AWM चल रहा है, उसका कॉस्ट्यूम का आएगा एंड उसके बाद हमारा थॉमसन का आ जाएगा। एंड थॉमसन के साथ OB37 के बाद जो कॉस्ट्यूम का इनक्यूलेटर होगा उसका अभी तक रिव्यू निकल के नहीं है, पर फोटोज निकल के आ चुके हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। फुल रिव्यू मेरे हिसाब से 2-4 दिन में निकल के आ जाएंगे। कॉस्ट्यूम का फर्स्ट लुक देख लो, एंड कॉस्ट्यूम का फर्स्ट लुक देखने से तो लग रहे बहुत ज्यादा ओपी होने वाले। तो जैसे वीडियो निकल आते हैं, जैसे मैं एक थॉमसन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, उस तरीके से कॉस्ट्यूम को बना के आप लोग साथ अपडेट शेयर कर दूंगा। और एक चीज मैं भूल जा रहा था, ये जो आप रिव्यू देख रहे हो ना कॉस्ट्यूम इनक्यूलेटर का, ये इनक्यूलेटर हमारा नेक्स्ट इनक्यूलेटर रहने वाला है जो कि अभी गन का चल रहा है। तो इसके बाद कॉस्ट्यूम का आएगा एंड उसके बाद हमारा थॉमसन का आएगा। एंड थॉमसन के स्किन्स का वीडियो रिव्यू अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, इस वीडियो के बाद वीडियो का लिंक ऊपर आपने दे दिया। एंड कुछ ऐसे एनिमेशन प्लस इमोट्स जिनका फुल रिव्यू अभी तक निकल के नहीं है, लेकिन बहुत सारे इमोट्स के एनिमेशन इमोट्स के स्काइमिंग के रिव्यू निकल के आए हुए जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे पोस्ट करना बाकी है, तो वो मैं कल सुबह या दोपहर को पोस्ट कर दूंगा। जिनका भी फुल रिव्यू निकल गया है उन सबका रिव्यू उस वीडियो में शेयर कर दिया हूं, तो चेकआउट कर लेना। बहुत सही एनिमेशन इमोट्स इमोट्स रनिंग इमोट्स एंड स्काइमिंग स्किन होने वाले हैं, वो वीडियो कल दोपहर तक आ जाएगी। एंड अभी तक स्क्रीन में देख सकते हो एनिमेशन इमोट, इसका फुल रिव्यू निकल के नहीं है, बस थोड़ा सा लुक दिख रहा है, तो ये देख कर कन्फर्म बोल सकते हो ये हमारा बुजाटी का थीम पे रहने वाला है। एंड ये इमोट बताया अगर इवो स्कार के थीम पे रहने वाला है तो क्या सीन रहने वाला कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इवो स्कार भी कन्फर्म नहीं था पहले, पर अब कन्फर्म लग रहा है। तो रिव्यू वगैरह निकल के नहीं है अभी तक, बस इमोट का लोगो निकल गया जब स्क्रीन में देख सकते हो, एंड थोड़ा सा इफेक्ट भी शो हो रहा है। जैसे फुल रिव्यू निकल आता है अभी तो नहीं, OB37 में निकल आएगा तभी शेयर करूंगा। एंड यहाँ इसे देखकर लग रहा है कि भाई इवो स्कार 2.0 आ रहा है, कन्फर्म है। यहाँ आप देख सकते हो चीयर वाला लोगो पर इमोट कोई और शो कर रहा है, तो चीयर वाला इमोट का अभी तक रिव्यू निकल के नहीं आया। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स जिनका फुल रिव्यू तक निकल के नहीं आया, एंड जिनका भी जितने भी आइटम्स के फुल रिव्यू निकल आ चुके हैं, एनिमेशन इमोट इमोट रनिंग इमोट डिस्क्राइबिंग, ये सबका कल दोपहर वाले वीडियो में आप लोगों को वीडियो रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई सुबह क्यों नहीं, तो सुबह आएगी हमारी इस अपडेट का मतलब OB36 अपडेट का सारे के सारे बंडल्स का वीडियो रिव्यू, तो कल का सुबह वाला वीडियो बिल्कुल मत मिस करना एंड दोपहर वाला वीडियो भी। और अभी देखते हैं स्किन में हमारा फिश स्किन, ये रहने वाला हमारा दीपावली फिश स्किन, जो दीपावली के टाइम में देखने को मिल जाए, कंफर्म है भाई। दीपावली कब है मुझे करने बता देना, जिस दिन दीपावली रहेगा हमारे इंडिया में क्रिएटर में चेकआउट कर लेना, उसके एक वीक के अंदर हमें ये फिश स्किन देखने को मिल जाएगा। एंड कौन सा इवेंट होगा अभी कंफर्म नहीं है, पर हाँ इतना कंफर्म है ये दीपावली का इंपेयर रहने वाला फिश स्किन एंड दीपावली में टाइम देखने को मिलेगा। जिसके रेट मैंने आपको अपडेट करीब करीब 2-3 वीक पहले शेयर कर दिया था कि दीपावली के रेट एक फिश स्किन डिजाइन किया गया है, तो वो कंफर्म हो चुका है एंड वीडियो रिव्यू आप स्क्रीन में देख सकते हो। ये तो बस एक फिश स्किन का रिव्यू निकल गया है, एंड एक और फिश स्किन है, नहीं 2 फिश स्किन है, उनका रिव्यू अभी निकल के नहीं आया। जैसे निकल आते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा, पर अभी बस एक फिश स्किन निकल गया रिव्यू, एंड ये दीपावली का थीम पे रहने वाला है जो बहुत ज्यादा जहर लग रहा है देखने में। तो अगर आप लोग ये निकालना है तो दीपावली के टाइम कम से कम 1500 डायमंड रखोगे ना तो फिश स्किन आराम से निकाल लोगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी तो वीडियो देख रहे हो मतलब अच्छा लगा है वीडियो, तो भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, हो सके तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना वीडियो को, आपके फ्रेंड्स को भी कुछ न्यू अपडेट्स मिल जाएंगे, कुछ मेरे व्यूज आ जाएंगे, तो हाँ एक शेयर कर देना। एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को रख लो, क्योंकि बहुत ओपी ओपी वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग इवेंट्स आइटम्स क्रेडिट, न्यू हो तो कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा ना, क्लिक करो मजे करो।